नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। खेल के तीसरे दिन शनिवार को इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया और लगातार दूसरा शतक ठोक दिया। आपको बता दें, इससे पहले नॉटिंगम में भी दूसरी पारी में उन्होंने शतक लगाया था। अब लॉर्ड्स की पहली पारी में उन्होंने शतक ठोक कर इतिहास रच दिया है। ये उनके टेस्ट करियर का 22वां शतक था। 160 टेस्ट मैचों में जो रूट ने टेस्ट करियर का अपना 22वां शतक लगाया। इस सीरीज के दौरान जो रूट शानदार फॉर्म में है और इस मैच में भी उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए खेल के दूसरे दिन 48 रन पर नाबाद थे। इसके बाद खेल के तीसरे दिन उन्होंने शानदार शतक जड़ दिया। आपको बता दें, इस कैलेंडर ईयर में जो रूट ने 5 शतक ठोक दिए हैं। जी हाँ, 2021 में अब तक जो रूट ने 5 शतक ठोके हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में अब वो संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आ गए हैं। हालांकि तीसरे स्थान पर उनके साथ 5 और खिलाड़ी भी मौजूद हैं। आपको बता दें, टेस्ट करियर में उन्होंने पहली बार लगातार 2 पारियों में 2 शतक लगाया है। इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में भी उन्होंने 2 टेस्ट मैचों में 2 शतक लगाए थे, लेकिन भारत के खिलाफ लगातार 2 पारियों में उन्होंने 2 शतक लगा दिया है। आपको बता दें, 82वीं ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह की गेंद पर रूट ने 1 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। इससे पहले नॉटिंगम टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 108 गेंदों पर 64 रन बनाए थे। वहीं नॉटिंगम टेस्ट की दूसरी पारी में 172 गेंदों पर 109 रनों की पारी खेली थी। पहले टेस्ट मैच में जो रूट प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।